चलिए अब इम्परफेक्शन से क्या समझते हैं हम लोग, जनरल एक इंग्लिश वर्ड, जनरल इंग्लिश वर्ड इम्परफेक्शन से क्या समझते हो आप? जो परफेक्ट ना, जो परफेक्ट ना, जिसमें गड़बड़ियां हो, राइट, जिसमें एरर्स हो, सब इम्परफेक्ट। सही बात है कि नहीं? अब देखो, यूजुअली यूजुअली जो सॉलिड होता है, वो सॉलिड, कोई भी सॉलिड इस दुनिया में ऐसा नहीं होता कि पूरा यूनिफॉर्मली बिल्कुल बढ़िया शानदार तरीके से अरेंज है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर तो रहता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफॉर्मिटी, एटम अपनी पोजीशन से गायब होते हैं, एटम अपनी पोजीशन पे ज्यादा होते, मतलब थोड़ा बहुत एरर रहता ही रहता है। हम आज उन एरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो इसके बारे में लिखेंगे, पहले एक लाइन लिखेंगे, नो सॉलिड इज 100% परफेक्ट There are some errors in arrangement of atoms or molecules these are known as imperfections or defects। ये जो छोटे छोटे errors होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? अब भी देखो, मैं देखो defects की अगर आप बात करोगे, defects की अगर हम पूरी बात करेंगे, तो overall defects जो होते हैं वो दो तरह के, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है, पॉइंट डिफेक्ट किसी एक पॉइंट पे एटम का गड़बड़ी होना, समझ में आ रहा है नाम से, पॉइंट डिफेक्ट किसी भी एक पोजीशन पे, एक पॉइंट पे एटम गायब हो गया, ये है पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या है? पूरी की पूरी रो या पूरी की पूरी कॉलम ऑफ एलिमेंट्स ही गायब हो गए, समझे? पॉइंट डिफेक्ट किसी पॉइंट पे एटम गायब हुआ, और लाइन डिफेक्ट पूरी की पूरी रो या पूरी की पूरी कॉलम ही गायब हो गया एटम्स का, मतलब इनडायरेक्टली समझने के लिए। अभी समझेंगे, आगे समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे, इनके भी सब पार्ट्स होते हैं। अब देखो, पॉइंट डिफेक्ट को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह के होते हैं। पहला होता है स्टोइशियोमेट्रिक, दूसरा होता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक एंड तीसरा होता है इंप्योरिटी डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट के कोई सब टाइप्स नहीं होता, लाइन डिफेक्ट लाइन ही डिफेक्ट होता है, सो कोई सब टाइप्स नहीं होते इसके। लाइन डिफेक्ट में आप सिर्फ एक लाइन लिख सकते हैं कि
ये इसमें डायगोनल इंक्लूड नहीं होगा, बना रहे हैं अभी, बना देते हैं। देखो शुरुआत अपन लाइन डिफेक्ट समझने से करते हैं, बिकॉज की टाइप्स नहीं है, फटाफट समझ में आ जाएगा। देखिए जब पूरी की पूरी रो या कॉलम में आपका इम्परफेक्शन हो जाए तो वो लाइन डिफेक्ट कराता है, ये समझ में आ गया हो सभी को। अब देखो समझते हैं, देखो बहुत शानदार तरीके से तुमको स्ट्रक्चर बनाऊंगा अभी इसका एटम को। ये देखो ये डॉट्स दिख रहे हैं, थोड़े से और डॉट्स बड़े कर दो, और बड़े कर मेरे को डॉट्स, ये है एटम्स और ये कुछ इस तरह से अरेंज्ड है। अब देखो यहां पर क्या होगा, एटम्स जो हैं ये क्या हो रहे हैं, पूरे एक लाइन से गायब हो जाए, मान लो इतने यहां से पूरी रो में आगे तक सारे एटम्स गायब। सो एज अ रिजल्ट होगा क्या, जो ये वाले एटम्स हैं ये थोड़ा सा यहां से नीचे की ओर आ जाएंगे, और जो ये वाले एटम हैं वो थोड़ा सा यहां से ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या अब आपको पूरा स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखो, पहले जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, ऐसा स्ट्रेट स्ट्रेट, अब क्या ये स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है? और ये रो जो है बीच वाली रो ये आगे तक गायब है, तो ये हो गया लाइन डिफेक्ट। यहां पे क्या है, इस जगह पे ऐसे एरो बना के आप लिख सकते हैं मिसिंग रो ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। एग्जाम्पल के तौर पे आप अभी जो ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे वहां पर अलोंग अ बॉडी डायगोनल एटम्स गायब हो गए, वो क्या था, एक तरह का डिफेक्ट ही तो था। क्यों भाई, एटम्स मिसिंग थे अलोंग अ बॉडी डायगोनल, तो वो क्या है, एक तरह का डिफेक्ट ही तो है ना, एटम पूरे एक डायगोनल से गायब हो गए, एक पूरी पूरी रो गायब है एटम की, अनुश्री है कि नहीं, वो एक तरह का डिफेक्ट। अनुश्री आ रहा है समझ में, सो रही है क्या? नहीं सर, उठी हूं। रुचिर आया समझ में? सौरभ, चिराग, लावण्या, ऋषिका? यस सर, यस सर। तो ये है लाइन डिफेक्ट, पहले एटम ऐसे अरेंज थे, अब एक रो, अब इसी की तरह तुम एक कॉलम भी गायब कर सकते हो कहीं से, रो के जैसे ही आप कहीं से एक कॉलम भी गायब कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया आपका लाइन डिफेक्ट। सभी को समझ में आ गया लाइन डिफेक्ट? चलिए अब आते हैं अपन अपने पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में सबसे पहली हेडिंग डालेंगे स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। हाँ आयुष बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अपन ने लाइन डिफेक्ट पढ़ा तो इसमें खाली सिंपल क्यूबिक रहेगा? इसमें कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है बेटा, कोई भी अरेंजमेंट, उसके एक रो से एटम गायब होने हैं। वो तो लेकिन अगर सीसीपी में होगा तो थोड़ा ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा ना। सब में बेटा ऐसे ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी लाइन डिफेक्ट आ सकता है। और लाइन डिफेक्ट खाली ऐसी रो और ऐसे कॉलम मत समझो, एक फेस के अलोंग फेस डायगोनल वो भी एक तरह की रो हो सकती है, सारे अगर बॉडी डायगोनल से एक साथ जोड़ दो वो भी एक तरह का रो या कॉलम हो सकता है ना। तो बेसिकली एक
एक्सिस या एक मतलब लाइन के अलोंग जब एटम्स गायब हो जाए सारे के सारे, तो वो बेटा लाइन डिफेक्ट कहलाता है। बेसिकली एटम्स आर मिसिंग अलोंग अ लाइन, ठीक है। अब यहां से देखो, ये काम इंपॉर्टेंट था, यहां पे तो आप लिख लो विम बार ज्यादा चलेगा। सबसे पहला मेंशन करेंगे हेडिंग स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब बच्चों ध्यान देना, ये एक ऐसे डिफेक्ट होते हैं जो कि एलिमेंट या फिर स्ट्रक्चर की स्टोइशियोमेट्री को डिफेक्ट नहीं करते, स्टोइशियोमेट्री को अफेक्ट नहीं करते। इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे, दीज आर पॉइंट डिफेक्ट्स विच मैट्रिक बताई ना, बता रहा हूं, स्टोइशियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। जिसको स्टोइशियोमेट्री नहीं पता है वो यहां देख लीजिए, H2O यहां पर 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्ट करता है, ये है इसकी स्टोइशियोमेट्री। लाइक CO2 1 मोल कार्बन 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ये है इसकी स्टोइशियोमेट्री। समझ गए स्टोइशियोमेट्री, बेसिकली जब C + O2 कर रहा हूं तो यहां बन रहा है CO2, यहां पर 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम्स इन्वॉल्व्ड हैं। समझ गया साहिल, आकर्षण स्टोइशियोमेट्री समझ में आया? यस सर। हाँ आयुष बोलो। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अगर ये इसका रेशो वो नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो फिर स्ट्रक्चर का जो डिफेक्ट रहेगा वो तो बहुत ही कम रहेगा फिर। हाँ तभी तो ये यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट पे डिफेक्ट है, ये सारे पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स हैं। ज्यादा एटम जो मिसिंग होते हैं वो लाइन डिफेक्ट में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है उसका इफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट में भी इफेक्ट होता है लेकिन उतना प्रोमिनेंट नहीं होता है। और सबसे तो मतलब इसको ऐसा नहीं कह सकते कि नेग्लिजिबल है? नहीं नहीं, इतना कम भी नहीं होता है, होता है पर हाँ इतना कोई खास इफेक्ट करता नहीं है, बट यार डिफेक्ट तो डिफेक्ट है। हाँ सर। इन डिफेक्ट्स को देखो, ये डिफेक्ट आते क्यों हैं, ये डिफेक्ट बेसिकली टेम्परेचर, एब्रप्ट टेम्परेचर चेंज होने के कारण आते हैं, इसीलिए इन डिफेक्ट्स को हम, इस डिफेक्ट को हम ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक, ऑल्सो इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक या फिर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। इस डिफेक्ट को हम इंट्रिंसिक या फिर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं। सर इंट्रिंसिक का क्या मतलब होगा? इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, एक ऐसा डिफेक्ट जो वहां होता है पर स्टोइशियोमेट्री में समझ में नहीं आता है, अंदर होता है लेकिन बाहर की स्टोइशियोमेट्री देखोगे सब सेम रहेगी। मतलब वो स्ट्रक्चर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा? ना, दिखने में बिल्कुल नहीं इफेक्ट होगा, हाँ डेंसिटी वाइज थोड़ा बहुत अंतर आएगा पर हल्का। अब देखो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के भी फर्दर टाइप्स होते हैं,
यहां नीचे से स्टार बना के लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। पहला होता है वैकेंसी डिफेक्ट, बच्चों वैकेंसी डिफेक्ट नाम से समझ में आ रहा है, वैकेंसी वैकेंट हो जाना, खाली हो जाना, कोई चीज कहीं जगह एक अपनी जगह से रिमूव हो जाना, राइट? यस, ठीक है। अब देखो वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में एक लाइन लिखेंगे, व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स या फिर लैटिस पॉइंट्स भी कहते हैं इसको। व्हाट आर लैटिस पॉइंट्स? साहिल बताएगा। साहिल लैटिस पॉइंट क्या होते बेटा? सर वो जो यूनिट सेल में कॉर्नर की तरफ जो एटम्स होते हैं अपन उन्हें लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। ओके, व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स या लैटिस पॉइंट्स आर वेकेंट, जो खाली होते हैं, दे कॉज वेकेंसी डिफेक्ट। कुल मिला के जहां पर एटम होता है यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे उसको हम कहते हैं लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट। जब वहां से एकाद एटम भाग जाता है तब उसको हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। सिंपल भाषा में ये समझो, मान लो फिर से अपन देखो अरेंजमेंट करेंगे नीले रंग का, ये है एटम का अरेंजमेंट, एटम एटम ये देखो ये है एटम्स अरेंज हुए हैं, अब यहां पर वैकेंसी डिफेक्ट होने के लिए ये देखो ये एक यहां से एटम गायब हो गया, एक एटम इस कोने से गायब हो गया, तो अब यहां पर क्या हो गया, एक वैकेंसी जनरेट हो गई क्या, खाली जगह, ये है खाली जगह, एक वैकेंसी जनरेट हुई, ये भी है खाली जगह, तो ऐसा डिफेक्ट कहलाता है वैकेंसी डिफेक्ट। सर इसका रीजन क्या होता है? जब टेम्परेचर में एब्रप्ट चेंज आता है तो थर्मली चीजें एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब एक्सपैंड हुई तो एटम दूर दूर गए, कॉन्ट्रैक्ट हुई तो एटम पास पास आए, तो कई बार क्या होता है कि आपके कुछ एटम्स जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं एक्सेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग के कारण, अपने जो रेगुलर स्ट्रक्चर होता है उसमें वापस फिट नहीं बैठ पाते हैं इसी कारण से, क्योंकि देखो कोई भी कूलिंग जो होती है या हीटिंग जो होती है अगर यूनिफॉर्मली कर रहे हो तो सारे एटम्स या सभी चीजों का साइज एक सा बड़ा होगा एक सा छोटा होगा, लेकिन अगर हीटिंग नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्यों भाई साहिब, तब तो एटम तो एक होंगे ना। यस सर, उस केस में आपके क्या होते हैं जब इरेगुलर एटम्स के मतलब जो डिस्टेंस होती है वो बढ़ती घटती है तो कुछ एटम अपनी जगह से बाहर निकल जाते हैं बिकॉज उस जगह को ऑक्यूपाई नहीं कर पाते, इसलिए वहां पर डिफेक्ट हो जाते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। सर वैसे इसमें मतलब मेनली टेम्परेचर इंक्रीज होने में ही होता होगा, डिक्रीज में तो वैसे भी साइज में फर्क नहीं पड़ता होगा ज्यादा, डिक्रीज होने पे भी क्या क्योंकि सॉलिड है, होने के बाद डिक्रीज करोगे तभी ऐसा होता है, प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता होगा ना, प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है, बेसिकली प्रेशर का इफेक्ट कम पड़ता है, इंपैक्ट फोर्स का इफेक्ट पड़ता है जब आप हथौड़े वगैरह से किसी से इंपैक्ट देते हो,
ठीक। अच्छा एक बात, एक छोटी सी बात, इस डिफेक्ट के कारण डेंसिटी ऑफ सॉलिड का क्या होगा, बढ़ेगी घटेगी सेम रहेगी? चिराग कम होगी सर, घटेगी सर, लेस, इट विल डिक्रीज। यस बिल्कुल सही, क्यों डिक्रीज होगी, रीजन सर? क्योंकि वेकेंट हो रही है, मास कम हो रहा है ना, मास कम हो रहा है, वॉल्यूम जो है वेकेंट वॉल्यूम बढ़ रहा है, और तो और कहा जाए तो हर सब्सटेंस सब्सटेंस गायब हो रहा है ना यहां से, तो ड्यू टू दिस डिफेक्ट, लिख देना है भाई इस पॉइंट को, ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल या ऑफ सॉलिड, सब डेंसिटी ऑफ सॉलिड तक बस है, डेंसिटी सॉलिड डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, हाँ तो बेटा डिफेक्ट भी तो काफी सारे भी तो हो रहे हैं, कई सारे कई जगह, देखो अपन ने इतनी छोटी सी जगह पे देखा दो वैकेंसी है, पूरे एटम में अगर आप, पूरे मतलब मेटल में अगर आप देखो तो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख वैकेंसीज होंगी, एक पीस ऑफ मेटल में 1.5 लाख 2 लाख वैकेंसी अगर हो जाएंगी, वैकेंट स्पेसेस हो जाएंगे, यार अब तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो गया ना मास में। और ऐसे भी नहीं देखो, सिंपल भाषा की बात समझो, डेंसिटी मतलब क्लोज क्लोज टाइट पैकिंग, एटम गायब किया तुमने तो कहीं ना कहीं पैकिंग लूज हुई, क्यों भाई रुचिर? तो कहीं ना कहीं पैकिंग लूज होगी, मतलब क्या, डेंसिटी डिक्रीज तो हो रही, सर उससे स्ट्रेंथ पे तो सीधा सीधा असर पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल, तभी तो अपन मेटल्स को हीट ट्रीटमेंट करते हैं बिफोर यूजिंग देम एज लाइक रेलवे की पटरी या खंबे बनाते हैं, या फिर ये जो आपकी टीएमटी सरिया होती है, इनको जब बनाया जाता है तो इनको पहले हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है मेटल, जिससे डिफेक्ट सारे सारे क्या हो, यूनिफॉर्म हीटिंग के बाद ये डिफेक्ट मैक्सिमम पार्ट उसका रिमूव किया जाए। ठीक, चलिए ये तो हो गया फर्स्ट डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। सेकेंड डिफेक्ट जो इसी के कैटेगरी में आता है, इसको हम कहते हैं इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। सर ये वैकेंसी के अंदर आता है कि ये वो दूसरा वाला है जो स्टोइकोमेट्रिक, जो वैकेंसी और इंटरस्टीशियल दोनों के दोनों स्टोइकोमेट्रिक के अंदर आते हैं। देखो ये लिखा ना मैंने, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, तो ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का पहला टाइप वैकेंसी डिफेक्ट, और ये दूसरा टाइप इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। ये कब होता है, जब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस क्या करते हैं, ऑक्यूपाई इंटरस्टीशियल स्पेसेस बिटवीन लैटिस अरेंजमेंट। अब यहां पर क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं वो इंटरस्टीशियल, इंटरस्टीशियल स्पेसेस क्या होती है पहले आओ हम देखते हैं। ये देखो ये एक एटम, एक मिनट ऊपर करो ना, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, एटम अरेंज कर लूं, गोले गोले बना लूं, गोले गोले, सर
सर तो मतलब जो अपन लोग पहले जैसे क्वेश्चन कर रहे थे वो डिफेक्ट भी एक प्रकार से क्वेश्चन हुआ ना। वो एक तरह से डिफेक्ट पढ़ रहे थे तुम, लेकिन वहां पे डिफेक्ट तुमको बताया गया नहीं था, वहां नाम नहीं दिया गया। अब तुम्हारे पास आगे जो क्वेश्चन आएंगे वहां तुम्हें डिफेक्ट का नाम दिया जाएगा सीएस का। यहाँ पे शॉटकी डिफेक्ट है, यहाँ पे फ्रेंकल डिफेक्ट है, ऐसे डिफेक्ट्स के ना नाम दिए जाने लगेंगे अब तुमको। ये लो जिसको नोट करना फटाफट से नोट करो, ये लो। सर ये जो आपने इंटरस्टिशियल का वो जो डायग्राम बनाया है उसमें डिफेक्ट क्या है? आ रहे हैं सब ने लिख लिया? हो गया। यस सर। तो अब देखो ये तो रेगुलर एटम है, ये रेगुलर एटम है। अब यहां पर क्या होगा, एट अ टाइम कोई एक एटम, पहली बात तो इंटरस्टिशियल स्पेस समझ लो, ये जो ये एटम्स के बीच की खाली जगह है ये जिनको आप लोग वॉइड्स कहते हो उन्हीं को यहां पर कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस। बेसिकली ये पूरा का पूरा वेकेंट स्पेस बिटवीन द एटम्स इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक। अब चाहे वो वॉइड्स की कैटेगरी में आए या वो वॉइड की कैटेगरी में ना भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, एटम के बीच की खाली जगह इंटरस्टिशियल स्पेस होती है। एटम जब अरेंज होते हैं उनके बीच की सारी खाली जगह इंटरस्टिशियल स्पेस। अब यहां ध्यान से देखो, जैसे ये एक एटम, ये एक एटम यहां से गायब हुआ लेकिन भग नहीं गया, वो क्या किया यहां पे एक इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लिया, उसे बीच की खाली इंटरस्टिशियल जगह। ऐसे ही एक एटम यहां से गायब हुआ और उसने क्या किया, ये इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली उस एटम ने। अनुश्री समझ में आया क्या हुआ है यहां पे? हाँ सर। ये है आपका डिफेक्ट। हाँ आयुष बोलो। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे अगर टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसकी जगह ये लिख सकता है इंटरस्टिशियल स्पेस। मेरी बात सुनो, इंटरस्टिशियल साइट्स के बहुत से नाम, ऐसे टेट्राहेड्रल वॉइड भी एक तरह का इंटरस्टिशियल साइट कहलाया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी एक तरह का इंटरस्टिशियल साइट कहलाया, इवन जो जगह वॉइड्स में एटम ऑक्यूपाई करते हैं उसके बावजूद बची रह जाती है वो भी इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस या इंटरस्टिशियल साइट्स एक बहुत ब्रॉड टर्म है, उनके कुछ कुछ हिस्से तुम लोग स्पेसिफाई करके पढ़ लेते हो, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, स्क्वायर वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड्स, है कि नहीं? हाँ आयुष बोलो। तो इसमें ऐसा मतलब जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया अपन से कि फेस सेंटर्ड अपन के पास एक क्यूब दिया है तो उसमें इंटरस्टिशियल जो स्पेसेस है वो कैसी होंगी, ऐसा पूछ सकता है क्या? तो बेटा इंटरस्टिशियल स्पेसेस खाली कुछ भी पूछेगा इन तुमसे तब भी नहीं पूछेगा, बिकॉज खाली इंटरस्टिशियल स्पेसेस को डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। देखो तुम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को डिफाइन कर लो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को डिफाइन कर लोगे, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के में आने के बाद भी कुछ ना कुछ जगह तो अभी भी खाली रह जाएगी, उसको कैसे डिफाइन करोगे अब आप ये बताओ। तो कंप्लीट इंटरस्टिशियल साइट को डिफाइन करना मतलब फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम उसके अलग अलग हिस्सों को पता लगाते हैं जितना मैक्सिमम हम फाइंड कर पाए। अच्छा इस डिफेक्ट रीजन क्या होता है इसका? किसका बेटा? सर मतलब इस जैसे कि अभी तक अपन टेम्परेचर को रीजन दे रहे थे तो इसमें क्या रीजन होगा? इसमें 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 भी इरेगुलर हीटिंग है, एटम्स जो है वो जब हीट हो रहा है तो हीट होने पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में ट्रेवल करते हैं एटम इधर से उधर,
और साथ साथ में क्या होता, कहीं जाके ट्रैप हो जाते हैं कई बार। मान लो यहाँ पे मैंने हीटिंग करी, डेंसिटी पे भी कोई इफेक्ट पड़ेगा तुम्हें? सर इसमें डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि आइटम तो अंदर ही अंदर जम जा रहे हैं। पहले समझो तो सही, कॉस्ट समझ लो। हीट किया आपने, मान लो इस जगह पर आपने हीट किया, एटम्स एक्सपैंड हुए, लेकिन इतने पार्ट में रैपिड कूलिंग कर दी, एटम एकदम से पास पास आ गए, बीच में फंसे वाले एटम वहीं फंसे रह गए। समझे साहिल? यस सर। अब देखो अगली बात आती है डेंसिटी की। अब एक बात बताओ मुझे, क्या यहां से नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है क्या? ओवरऑल नो सर, कहीं पर एटम कम हो गए, कहीं पर एटम ज्यादा हो गए, ओवरऑल एटम्स उतने ही है ना। तो इसी कारण से डेंसिटी ऑफ सॉलिड ये कैसे होती है, ये कांस्टेंट रहती है ऐसे डिफेक्ट में। जो डेंसिटी ऑफ होती है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट। हाँ बेटा बोलो सर। मतलब ये स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ एटम के लिए एप्लीकेबल है कि आयंस के लिए भी है? आयंस के लिए अलग है बेटा, क्योंकि आयंस में तो अलग है। आयंस के लिए शॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट होते हैं, वो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। शॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा अंतर हो जाता, थोड़ा सा अंतर हो जाता। जब आयंस की बात आती है तो वहां पर यही डिफेक्ट शॉटकी और फ्रेंकल के नाम से जाना जाता है। सो हाँ सर, जो अपने टाइप्स लिखवाए हैं, मतलब स्टोइकोमेट्रिक में सर, तो इसमें वो एग्जांपल्स कुछ लिख सकते हैं हम लोग? एग्जांपल्स देखो बेटा, डिफेक्ट्स में एग्जांपल्स नहीं लिख सकते हो आप। डिफेक्ट्स में क्या एग्जांपल लिखना, ये तो हर तरह के सॉलिड में आपको ये डिफेक्ट मिलेगा, कोई भी सॉलिड पकड़ लो। यस सर, डेफिनेटली कि अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि इसका एक एग्जांपल देना है तो शायद अगर जरूरत पड़े तो। हमेशा पता क्या बोलता है, एक्सप्लेन विद डायग्राम, आप इस तरह का अरेंजमेंट बना के एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। बिकॉज एग्जाम्पल में तो ऐसा कोई खास प्रोमिनेंट एग्जाम्पल क्या बोलोगे, सभी सॉलिड्स में लगभग ये डिफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ओके तो एक तरह का हम जो पढ़ रहे हैं सब जनरल डिफेक्ट, ये लगभग सब सॉलिड में है, नेचर वाइज जितने भी सॉलिड्स हैं लगभग सब में है, मेटल्स में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। यस सर। हाँ आयुष बोलो, क्या बोल रहा हूँ? सर आपने अभी ऊपर लिखवाया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम मॉलिक्यूल आयंस ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेसेस, तो आपने बोला कि अभी आयंस के लिए तो दूसरा रहता है, तो आपने ऊपर आयंस और आयंस भी लिखवाया है। अभी यहाँ पर बताता हूँ तुमको मैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में यहाँ पर हमने जो आयन लिखा है बिल्कुल सेम डिफेक्ट ही आ जाएगा, लेकिन इसको आप कहोगे फ्रेंकल डिफेक्ट। आयंस के ऊपर चाहो तो आप इसे गोला मार दो, आयनिक कंपाउंड्स के लिए आप यहाँ पे चाहो तो आयंस के ऊपर गोला मार दो, एटम मॉलिक्यूल के लिए बिल्कुल सेम चलेगा। आयंस के लिए भी ऐसा ही डिफेक्ट होता है, बट उसका फिर स्पेसिफिक नाम दे देते हैं हम, शॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, और बिल्कुल सेम होता है वो, बिल्कुल सेम होता है। पर सेम है तो नाम डिफरेंट क्यों ऐसा? जिसने पढ़ा था उसको, जिसने उसके बारे में अलग से पढ़ाई करके डिस्कवर करके थ्योरी दी, उसके नाम को क्रेडिट दे दिया गया। ओके चलो भाई आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम कल मतलब शॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट पढ़ेंगे, और थोड़े बहुत डिफेक्ट पढ़ के, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट्स पढ़ के, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।